पीछे कल हम लोगों ने दो सूत्रों पर विचार किया, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो 13वां सूत्र है, समवाय अभिगमाच्च साम्याद अनवस्थिते, ये सूत्र है। समवायाभिगमाच्च साम्याद अनुवस्थिते, तो समवाय अभिगमाच्च साम्याद अनुवस्थिते ये है। वैशेषिक परमाणुवाद का खंडन किया जाए, खंडन का एक खंडन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तर्क है समवाय का। समवाय के खंडन के द्वारा भी वस्तुतः जो है वह एक तरह से देखा जाए तो वैशेषिक परमाणुवाद का खंडन हो जाता है। सूत्र कह रहा है समवाय अभ्युगमाच्च, समवाय का, समवाय को आप स्वीकार करते हैं, है क्या वैशेषिकों में? समवाय अभ्युगमाच्च साम्याद अनुवस्थिते, वैशेषिक दर्शन में है क्या? वैशेषिक दर्शन में जैसा कि पीछे बताया गया, जो परमाणुओं से जगत की उत्पत्ति हुई है इसी परमाणु कारणवाद का खंडन किया जा रहा है। परमाणुओं से जो द्वयणों की उत्पत्ति होती है, उन द्वयणों और परमाणु के बीच में किस प्रकार का संबंध है, तो ये समवाय का संबंध होता है। समवाय संबंध परमाणुओं से जिन द्वयणों की उत्पत्ति होती है, उन द्वयों को परमाणुओं के बीच में क्या संबंध है, तो समवाय का संबंध। समवाय का संबंध क्या है बेटा? तो पीछे आप लोगों को बताया गया था दो युत सिद्ध वस्तुओं के बीच का जो संबंध होता है उसको संयोग बोलते हैं। दो अलग अलग की जाने वाली वस्तुएं, दो अलग अलग वस्तुओं में जो संपर्क होता है, संबंध होता है, उसको संयोग कहते हैं। टेबल पर पुस्तक रख दिया आपने, ठीक ना, तो यह कैसा संबंध है? या वृक्ष पर जो है कोई पक्षी आए तो वो कैसा, पक्षी आया तो वो कैसा संबंध है? तो वह संयोग का संबंध है, ठीक। तो ये संयोग का संबंध उनमें होता है जो अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं वह जब आपस में मिलती हैं तो संयोग। लेकिन जो अयुत सिद्ध पदार्थ होते हैं उनके बीच जो संबंध होता है उसको ये लोग कहते हैं, जो वो संयोग नहीं होता। अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच में संबंध जो है इसके लिए ये लोग समवाय की कल्पना करते हैं। वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने गए हैं, कल चर्चा हुई, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो यह जो द्रव्य और गुण के बीच में कैसा संबंध, द्रव्य और गुण के बीच में जो संबंध होता है वह संबंध कैसे होता है, तो ये बताएंगे। ये द्रव्य और गुण के बीच में, या द्रव्य और कर्म के बीच में, या कहिए अवयव और अवयवी के बीच में कैसे संबंध होता है, तो ये संबंध ये बताएंगे जो समवाय से होता है। समवाय संबंध आधार आधेय भाव से स्थिति, जो अयुत सिद्ध पदार्थ है उनके बीच जो संबंध होता है वह समवाय कहलाता है, इनके अनुसार ऐसा। तंतु लीजिए और पट लीजिए, तंतु में जो पट है वह कैसे है, जो रेश, जो धागे में जो वस्त्र है, तो धागे में जो वस्त्र है उसका जो संबंध है वो समवाय संबंध से होता है ऐसा। समवाय संबंध से वस्त्र जो है धागे में रहता है ऐसा इनका मान। अवयवी जो है वह अपने अवयव में
समवाय संबंध से रहता है, ऐसा ही काम है। तो परमाणुओं से जो द्वयणुक की उत्पत्ति होती है वह द्वयणुक वस्तुतः क्या है, उस द्वयणुक और परमाणु के बीच के संबंध की व्याख्या कैसे होगी, आखिर परमाणु से द्वयणुक बना तो यह जो द्वयणुक बना वह उसमें और परमाणु के बीच में कैसा संबंध है, ये बताएंगे। जो समवाय का संबंध उनके संबंध की व्याख्या के लिए समवाय को मानना होगा। समवाय क्या है तो एक अलग पदार्थ है। अब इस पर यह कह रहे हैं जो इस समवाय संबंध, समवाय स्वयं क्या है आपके मत में तो एक पदार्थांतर है। अब इस समवाय का समवायियों से मान लीजिए उसी में आपको रखा जाए, कहा जाए ये परमाणु और द्वयणु इन दोनों के बीच के संबंध की व्याख्या हो रही है, तो परमाणु और द्वयणु से उस समवाय संबंध का कैसे संबंध, वह उनमें कैसे रहता है, तो उसके लिए क्या होगा, वह चूंकि समवाय संबंध समवायियों से अलग है इसलिए इनके बीच में भी संबंध कैसे स्थापित होगा, तो समवाय से ही स्थापित होगा। ठीक, तो इस प्रकार से फिर उस समवाय का उनके बीच उन समवायियों के साथ कैसा संबंध होगा, तो वह उसके लिए एक अन्य दूसरे समवाय की अपेक्षा होगी। तो इसलिए कहा जो समवाय अभ्युगमाच परमाणुओं और द्वयणु के बीच में समवाय संबंध ऐसा स्वीकार अगर आप करते हैं तो साम्यात यही क्या है, यही साम्य है किसमें, समवायियों के बीच में और समवाय के बीच में। तो समवाय और समवाय के बीच में भी यही समवाय कौन कौन हुए, समवाय से क्या बात करो, जिनमें समवाय संबंध है, ठीक ना। तो समवायियों से और समवाय से क्या संबंध है, तो उसके लिए एक तीसरे समवाय की जरूरत पड़ेगी, फिर उसका जो है, तो इसलिए तत्त समवाय के लिए आपको अन्य अन्य समवाय की कल्पना करनी होगी, इस प्रकार से अनवस्था दोष होगा। यह एक बहुत बड़ा, इस कारण से आप जो इस समवाय संबंध के आधार पर और सम जो है परमाणुवाद की परमाणु के सिद्धांत की परमाणुओं से सृष्टि की व्याख्या करते हैं वो सही नहीं है, ऐसा इस 13वें सूत्र में बताया गया। समवायाभ्युगमाच साम्याद अनवस्थिते, देखिए जरा सा देखिए, ये हम लोग थोड़ा सा भाष्यकार की पंक्ति देख रहे हैं, समवाय अभ्युगमाच तद अभाव इति प्रकृतेन अरुणवादी अरुणवाद निराकरण संबध्यते द्वाभ्याम च अरुणभ्याम द्वयणुकम उत्पद्यमानम अत्यंतम भिन्नम अणुभ्याम अणु संवयति इति अभ्युगम्यते भवता। दो अणुओं से द्वाभ्याम च अरुणभ्याम दो परमाणुओं से द्वयणुकम उत्पद्यमानम अत्यंत भिन्नम, यह जो आप दो परमाणुओं से जो उनसे भिन्न आप द्वयणु की उत्पत्ति को मानते हैं अणुभ्याम अणु, यह द्वय अणुक जो है उन परमाणुओं में समवाय संबंध से स्थित होता है, ऐसा आप स्वीकार करते हैं। नौच एवं अभ्युगच्छता सकते अणुकारणता समर्थिकुं, ऐसा मान करके ऐसा स्वीकार करके वस्तुतः आप अणुवाद का परमाणुवाद का समर्थन नहीं कर सकते हैं। क्यों, कुतः साम्याद अनवस्थिते, साम्य होने से क्या है साम्याद अनवस्थिते साम्याद अनवस्थानाच, ठीक ना, साम्य होने से क्या हो जाएगा ये अनवस्था हो जाएगी, अनवस्था होने से क्या होगा तो ये परमाणु कारणवाद जो है आपका सिद्धि ही नहीं होगा, ठीक ना। यथैव हि अणुभ्याम, आगे देखिए अपनी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, यथैव हि अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सद द्वयणुकम समवाय लक्षणेन संबंधेन ताभ्याम संबध्यत, जिस प्रकार से क्या अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सद द्वयणुकम परमाणुओं से अत्यंत भिन्न होता हुआ द्वयणुक
समवाय के द्वारा उनसे संबंधित होता है, एवं समवायो अपि समवायिभ्यो, इसी प्रकार से समवाय भी समवायियों से अत्यंत भिन्न होने के कारण समवाय से ही समवाय लक्षण अन्येनेव संबंधेन समवाय परक अन्य संबंध के द्वारा ही संबंधित वह समवायियों से संबद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अत्यंत भेद साम्यात इनमें भी जो आप कर रहे हैं, चूंकि क्या है आप क्या कर रहे हैं, परमाणु से दो जो है भिन्न है, तो इन भिन्न वस्तुओं के बीच के संबंधों की व्याख्या आप कैसे कर रहे हैं समवाय से, तो इसी प्रकार से समवायियों से भी तो यह जो है समवाय पदार्थ भिन्न है, तो उसके लिए भी आपको क्या मानना होगा, समवाय को मानना होगा। अततश्च तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पितव्य इति अनवस्था एव प्रसज्येत। ततश्च तस्य तस्य अन्योन्य संबंध, फिर उन उन अन्योन्य संबंध के लिए उन उन समवाय के लिए क्या करना होगा, उन उन अलग अलग समवायों की कल्पना आपको करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। अब इस पर यह कहा जाए, ननु ही प्रत्यय ग्राह्य समवायो नित्य संबद्ध एवं समवाय विर्गृह्यते न संबद्ध संबंधांतर अपेक्षो वा, ततश्च न तस्य अन्य संबंध कल्पितव्यो येन अनवस्था प्रसज्येत इति। इस पे ये कहेंगे कौन, वैशेषिक कहेंगे, जो इ प्रत्यय से जो ग्राह्य समवाय है, ठीक ना, समवाय किस प्रत्यय से ग्राह्य है, इ प्रत्यय से ग्राह्य, आपके पास है ना वैशेषिक सूत्र, कहाँ है ये वाला सूत्र, इ प्रत्यय ग्राह्य जो है, इ प्रत्यय ग्राह्य जो यह क्या है समवाय है, वह नित्य संबद्ध है, एव समवाय भी वह समवायों से नित्य संबंध, समवायों से स्वरूपतः संबद्ध है, इसलिए क्या है, इसलिए क्या करना होगा, चूंकि ऐसा आप गलत समझ रहे हैं, समवायों से जो आप कर रहे हैं, जो समवाय जो है समवायों से समवाय को, समवायों माने क्या, समवायु और समवाय बोलने उसका अर्थ क्या हुआ, मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं ए और बी, ए और बी के संबंध में बात हो रही है, एक तो देखिए ये समस्या जो है किसी भी संबंध के प्रति उठेगी, शंकराचार्य का ऐसा मानना भी है, संबंध मात्र के प्रति ये समस्या उठेगी, यहाँ समवाय के बारे में बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, जो ये मानते हैं जो यहाँ कारण कार्य का प्रसंग है, ये कारण कार्य में या अवयव अवयवी में वैशेषिक दर्शन क्या मानता है, समवाय का संबंध मानता है, या द्रव्य गुण में या धर्मी और धर्म में समवाय संबंध मानता है, ठीक ना, तो इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये संबंध मात्र के प्रति शंकराचार्य का यह लागू होगा। यहाँ सब वह क्या होता है, जो मान लीजिए आप दो चीजों के बीच के संबंध को बता रहे हैं और वह को, तो इस और ब से आप मान लिए इस और ब के बीच में जो संबंध है वो क्या है, आप एक पदार्थांतर मान रहे हैं, उसको एक पदार्थ मान रहे हैं, ठीक, तो अब इस और ब के बीच जैसे संबंध है, मान लीजिए द्रव्य और गुण, द्रव्य और गुण के बीच में संबंध जो है करने के लिए क्या, द्रव्य में और गुण में जो संबंध है कैसे होगा, तो वो समवाय संबंध से होगा, ऐसा मानते तो समवाय क्या है, तीसरा पदार्थ है आप मान रहे हैं, तो द्रव्य और गुण में संबंध स्थापित करने के लिए आपने समवाय माना, तो अब ये समवाय जो आपने पदार्थ माना, अब ये बताइए जो उसका द्रव्य से क्या संबंध है, उसका गुण से क्या संबंध है, वह द्रव्य से कैसे संबंधित है, वह गुण से कैसे संबंधित है, तो ये द्रव्य गुण क्या है, ये समवाय हुए जिनमें समवाय संबंध रहता है, ठीक ना, तो इन समवायों से उस समवाय का क्या संबंध, ठीक ना, तो इसके लिए आपको फिर तीसरे समवाय को मानना होगा, फिर उसके लिए यही प्रश्न उठेगा, तो चौथे प्रश्न को समवाय को मानना होगा, इस प्रकार से अनवस्था दोष होगी। तो ये कह रहे हैं जो देखिए आप गलत समझ रहे हैं, समवाय यह सही है द्रव्य और गुण के संबंध के लिए, हमको जो है
क्या है, परमाणु और द्वय रूप के संबंध के लिए हम समवाय संबंध की कल्पना करते हैं, लेकिन ये समवाय समवाय पदार्थ की कल्पना करते हैं, ये जो संबंध क्या है वो समवाय के द्वारा है और ये समवाय पदार्थ हम, लेकिन जो है इस समवाय का उन समवायों से कैसे संबंध है, तो उस स्वरूपता संबंध है, नित्य संबंध है, उसके लिए किसी अन्य संबंध की, संबंधांतर की या समवायांतर की जरूर कल्पना करनी, जरूरत कल्पना नहीं करना होगा। तो इस पे प्रश्न उठेगा, यही चीज तो संयोग के साथ भी है, तो संयोग को भी आप क्यों नहीं मान लेते हैं, जो संयोग भी जो है स्वरूप सिद्ध संबंध है, उसके लिए आप क्यों जो है समवाय की कल्पना करते हैं, ठीक ना, आखिर संयोग ने क्या बिगाड़ा है, उसको भी आप मान लीजिए, जो क्या करते हैं वह भी जो संबंध जिन संयोगियों के बीच में होता है उसमें स्वरूपता होता है, ठीक ना। तो ये ननु ततश्च कहा, ननु ही प्रत्यय ग्राह्य समवायो नित्य संबद्ध समवाय विर्गृह्यते न संबद्ध, या जो समवाय या जो ही प्रत्यय ग्राह्य समवाय है वह समवायों से नित्य संबद्ध रहता है, सुप्तता संबद्ध रहता है, इसलिए क्या है न संबंधांतर अपेक्षा वर्तते, इसलिए उनके लिए अन्य संबंध अंतर की अपेक्षा नहीं होती है। ततश्च न तस्य अन्य संबंध कर्तितव्यो येन अवस्था प्रसज्येत, इसलिए उनके बीच संबंध को स्थापित करने के लिए किसी अन्य की अन्य संबंध की आवश्यकता नहीं होती है जिससे अनवस्था होगी। तो इसमें क्या कर रहे हैं सिद्धांति या शंकराचार्य क्या कर, न इति उच्यते, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, अथ अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षेत, अर्थांत है हाँ, अथ अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतरम, अच्छा संयोगो अपि एवं सति संयोग भी नित्य संबंध एवं नित्य संबद्ध एवं इति समवाय समवाया समवायवत नाम्यम संबंधम अपेक्षेत, आप जो ऐसा कहते हैं इससे क्या होगा, संयोगो अपि एवं सति संयोग भी ऐसे कैसा होने पर संयोग भी नित्य संबद्ध एवं क्या कहते हैं संयोगों के साथ नित्य संबद्धी है, जिस समवाय नित्य संबद्ध है वैसे जो है संयोग भी नित्य संबद्ध है, एवं इति समवाय वत न अन्यम संबंधम अपेक्षेत, इसके समवाय के समान उसे भी अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं होगी। अब क्या कहा है, यदि अथ अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षेत, क्या कहा अथ अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षेत, समवायोपि तरही अर्थांतरत्वात् संबंधांतरम अपेक्षेत, अथ अर्थांतरत्वात् अगर जो है संयोगियों से भिन्न पदार्थ होने से संयोग को, अथ अर्थांतरत्वात् संयोगियों से भिन्न अन्य पदार्थ होने से संख्या, अगर संयोगियों से भिन्न पदार्थ होने से संयोग को संबंधांतर की अपेक्षा होगी तो क्या होगा, समवायोपि तरी अर्थांतरत्वात् संबंधांतरम अपेक्षेत, तो समवाय को भी समवायियों से भिन्न पदार्थ होने से अन्य की अपेक्षा होगी। अब कह रहे हैं नौच गुणत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षते न समवायो अगुणत्वात् युज्यते वक्तुम, अब कह रहे हैं ये देखिए बात ये है ना, जो संयोग जो है गुण, नौच गुणत्वात् संयोग संबंधांतरम
उच्यते न समवाय अवृत्वात् इति युज्यते। वक्तुमात् जो समवाय को संयोग को एक कर रहे हैं प्रतिपक्षी बोल रहा है, वैसे ही बोल रहा है अद्वैत में से, आप जो संयोग और समवाय को एक कह रहे हैं वस्तुतः जो है यह ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयोग जो है गुण है, तो संयोग जो है गुण होने से संयोग को संबंधांतर की अपेक्षा होती है, न समवायो। संयोग के बारे में तो यह प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक ना? तो उसके लिए तो हमको जो है मानना होगा क्या, अन्य संबंध को मानना, यानी कि समवाय आदि को मानना होगा, ठीक। लेकिन जो है न समवायो गुणत्वात् इति, चूंकि समवाय गुण नहीं है इसलिए क्या न समवायो गुणत्वात् इति युज्यते वक्तुम्, इसलिए समवायों से समवाय के संबंध के लिए अन्य समवाय की कल्पना करनी, हाँ वो कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वरूपतः संबंधित होगा ऐसा कहना है किसका, प्रतिपक्षी का। तो इस पे कह रहे हैं आप, यह बात आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात्, दोनों में समान रूप से अपेक्षा, अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात्, दोनों में समान रूप से अपेक्षा होने से, ठीक ना, जो बात संयोग पे लागू होती है वही समवाय पे लागू होती है। जो है अगर जो है संयोगियों से भिन्न संयोगियों से संयोगियों के मध्य संयोग संबंध की स्थापना के लिए आप जो है समवाय नामक एक अन्य संबंध को मानते हैं, तो आपको समवायियों से भिन्न समवाय से उसके संबंध के लिए अन्य संबंध समवाय की ओर मानना होगा। तुल्य क्या अपेक्षा कारण, क्योंकि दोनों को समान रूप से अपेक्षा है, क्योंकि एक समान गुण परिभाषाया अतंत्रत्वात्, आप जो है गुण की जो परिभाषा है वह जो है वह क्या है, वो अतंत्र सम्मत है, वह सही नहीं। आइए तस्माद् अर्थांतरम समवायम अभिगच्छत प्रसज्येत अनवस्था, इसलिए अर्थांतरम समवाय, इसलिए क्या है समवाय नामक पदार्थ को अन्य पदार्थ को स्वीकार करने से क्या होगा, अनवस्था होगी। प्रसज्यमानायां च अनवस्थायां, अनवस्था के प्रसक्त होने पर एक एक असिद्धो, एक की असिद्धि से सर्वा सिद्धे, सबकी असिद्धि हो जाएगी। फल क्या होगा, द्वाभ्याम अभिभ्याम द्वैरथम ने उत्पत्ति, इस प्रकार से दो अणुओं से जो दो परमाणु से जो द्वैरों की उत्पत्ति आदि की बात आप कर रहे हैं इसकी व्याख्या नहीं होगी। तस्माद् नक परमाणु कारणवाद, इसलिए परमाणु कारणवाद क्या है, अनुपन्न। ये जो है आगे फिर से समवाय पर बहुत विस्तार से खंडन किया है शंकराचार्य, आगे भी करेंगे 17वें सूत्र की व्याख्या में, ठीक ना। और भी अन्यत्र जो है कई जगह उन्होंने, तो वो हम लोग जरा सा देखेंगे और फिर से उसको चर्चा होगी। नित्य में वो चभावात, नित्य में वो चभावात कहा, देखिए और भी परमाणुवाद भी क्या दोष है, तो अगर परमाणुओं में जो प्रवृत्ति है आदि कर्म है परिस्पंद है गति आदि गति है वो क्या है, उस नित्य में वो चभावात परमाणु, वह उसका अगर वह मान ले क्या स्वभावतः, मान ले परमाणु को स्वभावतः प्रवृत्ति वाला मान ले, ठीक, तो क्या होगा, हमेशा ही सृष्टि होती रहेगी। अगर परमाणु का स्वभाव जो है निवृत्ति मान ले तो क्या होगा, यह जो है सृष्टि बनेगी ही नहीं, ठीक ना। तो ये यह तो नित्य में उच्च भावात, अगर परमाणु का स्वभाव ही आप मान ले, क्या परमाणु जो स्वभाव का क्या होते हैं, तो प्रवृत्तिमान होते हैं,
तो अगर स्वभावतः परमाणु स्वभावतः प्रवृत्तमान होते हैं और आपस में संयुक्त होने के लिए और इस प्रकार से द्वयाणु काल की उत्पत्ति करने के लिए, इस प्रकार द्वयाणु त्रयाणु काल स्थूल वस्तुओं की उत्पत्ति करने के लिए, इस प्रकार जगत की उत्पत्ति करने के लिए अगर स्वभावतः वो प्रवर्तमान होते हैं तो वह हमेशा ही होता रहेगा। इसलिए हमेशा क्या होगी, सृष्टि होगी, ठीक, प्रलय अभाव होगा। और अगर जो है उसका स्वभाव क्या माने, निवृत्ति माने, तो क्या भी होगा, तो यह भी जो है निवृत्ति स्वभाव हमेशा बना रहेगा, फलतः जो है क्या होगा, सृष्टि होगी ही नहीं। तो ये देखिए क्या सूत्र में क्या कह रहे हैं, सूत्र की व्याख्या में शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, छोटा सा दशा उनकी भाषा में देखा जाए, अभी चाव प्रवृत्ति स्वभाव वा निवृत्ति स्वभाव वा उभय स्वभाव वा अनुभव स्वभाव वा गम्यन्ते गति अंतरा भावात्। ये जो परमाणु है वो क्या है, वो प्रवृत्ति स्वभाव वाले हो सकते हैं, निवृत्ति स्वभाव वाले हो सकते हैं, या प्रवृत्ति निवृत्ति उभय स्वभाव वाले हो सकते हैं, या न प्रवृत्ति न निवृत्ति एवं प्रकार अनुभव स्वभाव वाले हो सकते हैं, ये चार ही प्रकार के हो सकते हैं, ठीक ना, इनसे अतिरिक्त कोई और गति संभव नहीं है। चतुर्दा अपि न उपपद्यते, इन चारों ही दशा में क्या है, परमाणुवाद उत्पन्न नहीं होता है, परमाणु कारकवाद उत्पन्न नहीं होता है, परमाणु से जगत की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो पाती है। कैसे, तो कारण प्रवृत्ति स्वभावत्व नित्यमेव प्रवृत्तेर भावात् प्रलयाभाव प्रसंग, प्रवृत्ति स्वभाव होने से नित्यमेव प्रवृत्ति, नित्य प्रवृत्ति होने से क्या होगा, प्रलय का अभाव होगा, प्रलय होगा ही नहीं, सृष्टि होगी। निवृत्ति स्वभावत्व, अगर निवृत्ति स्वभाव उसका माने तो क्या है, निवृत्ति स्वभावत्व अपनी नित्यमेव निवृत्ते, हमेशा निवृत्ति होने से निवृत्ति नित्यमेव निवृत्ते सर्ग अभाव प्रसंग, सर्ग का अभाव होगा, सृष्टि होगी ही नहीं, ठीक ना, प्रलय का प्रलय बना रहेगा। उभय स्वभाव स्वभावत्म च विरोधात् असमंजसम, अगर जो है उभय माने पवित्र निवृत्त, तो इस प्रकार की कुछ चीजें होती ही नहीं है, यह विरोधी बात मत कीजिए, यह तो असंगत बात। अनुभय स्वभावत्व तु निमित्त वसात पवित्र निवृत्तयो विगम, अनुभय स्वभाव अगर जो है माने जो है उसका स्वभाव न प्रवृत्त है न निवृत्ति, तो चौथा विकल्प दिख रहा, तो क्या होगा, निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्तयो अभिगमा, परमाणु वस्तुता देखिए आप गलत समझ रहे हैं, कौन पक्षी बोल रहा है वैसे, परमाणु न तो प्रवृत्त स्वभाव वाले है न निवृत्ति स्वभाव वाले, तो क्या होगा, है क्या निमित्त वसात प्रवृत्ति निवृत्तयो अभिगमा, वह निवृत्त ये क्या कहते हैं निमित्त वस अदृष्ट आदि निमित्त वश जो है वो कहेगा क्या है, वह कभी प्रवर्तमान हो जाते हैं और कभी जो है उससे विमुख हो जाते हैं। तो इस पर ये कह रहे हैं क्या, जो अभ्युपगम्यमानयो अदृष्टादेह निमित्त से नित्य संधानात नित्य प्रवृत्ति प्रसंगात अतंत्र अपि अदृष्टादेह नित्य अप्रवृत्ति प्रसंगात, अब ये बोल रहे हैं जो अगर परमाणु का स्वभाव न प्रवृत्त है ना निवृत्त, और वह क्या होता है, वो निमित्त वश जो है वह प्रवृत्ति, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, ऐसा ये मान रहे हैं। तो अगर ऐसा मान रहे हैं तो इस पर कह रहे हैं जो वह निमित्त क्या है, हम पीछे ही बता चुके हैं, वह निमित्त क्या है, उभय था अपि न संभव, क्या क्यों नहीं संभव, वह या तो निमित्त क्या होगा, या दृष्ट होगा या अदृष्ट होगा, दृष्ट हो नहीं सकता है क्योंकि अभी सृष्टि हुई नहीं है, इससे पहले की बात कही जा रही है, तो दृष्ट तो होगा नहीं, तब अदृष्ट जो है, तो अदृष्ट में दोष जो है पीछे बताया गया, तो जो जो दोष पीछे बताया गया है वो सब लागू होगा, एक अतिरिक्त दोष यहाँ पे बता रहे हैं, जो अदृष्ट को मानेंगे तो क्या होगा, वो अदृष्ट जो है नित्य सन्निहित रहेगा, नित्य सन्निहित रहेगा तो नित्य प्रवृत्ति होगी, और यह और यह जो है अगर मान लीजिए जो कहा जाए जो इस अदृष्ट से नियामक नहीं होगा, तो अगर अदृष्ट से नियामक तो नहीं ही होगा तो क्या होगा, अप्रवृत्ति प्रसंगात प्रवृत्ति होगी ही नहीं, इसलिए क्या कहा, तस्माद् अनुपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए भी परमाणु कारणवाद क्या है, अनुपन्न है। अब आइए
रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात् परमाणुओं में क्या मानते हैं ये ध्यान दीजिएगा। वैशेषिकों के परमाणुओं को रूपादि से युक्त माना गया, रूपादिमत्वात् वो रूपादि से युक्त होने से क्या होगा, विपर्यय होता, विपरीत। क्या विपरीत होगा? आप परमाणु को क्या मानते हैं? आप परमाणु को मानते हैं निरवय, और जो रूपादिमान होता है वो क्या होगा, सावय होगा। वो क्या होगा? तो वह जो है अपेक्षाकृत स्थूल होगा, और सावय स्थूल होगा, और वह जो है क्या होगा, अनित्य होगा। तो आप जो कह रहे हैं रूपादिमत्वाच्च, रूपादिमत होने के कारण रूप, और कौन जो परमाणु में क्या क्या हो, ये रूप भी मान लेते हैं, रस भी मान लेते हैं, गंध भी मान लेते हैं, और स्पर्श भी, इसमें ये सब होगा। किस वाले परमाणु में? पार्थिव परमाणु। पार्थिव में चारों प्रकार के मान, तो अगर जो है उसमें चारों इस प्रकार जो है मानेंगे तो क्या होगा, रूपादि से युक्त होने के कारण परमाणु में, कि आप जो परमाणु को अगर उपाधि से युक्त मानते हैं तो विपर्य प्रसंग होगा। क्या विपर्य प्रसंग होगा? तो परमाणु निरवय हो और अत्यंत सूक्ष्म न हो करके क्या हो जाएंगे, सावय हो जाएंगे, वह नित्य न हो करके अनित्य हो जाएंगे, ठीक ना। सावय वस्तुएं क्या होती है, अनित्य होती है, तो वो नित्य नहीं रह जाएगा, अनित्य हो जाएगा। शंकराचार्य ने उसमें कई एक सूत्र दिया जो नहीं, उसके बावजूद जो है ये वैशेषिकों के उन सूत्रों का उन्होंने उल्लेख किया, जो क्यों उसके बावजूद भी वह नित्य माना जाना चाहिए, उसका खंडन किया उन्होंने। तो विपर्यो दर्शनात्, क्यों रूपादिमत्वाच्च विपर्यो दर्शनात्, दर्शनात् ऐसा देखा गया, लोक में यही ना देखा जाता है, जो रूपादि से युक्त जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, अनित्य होती हैं, सावय होती हैं, ठीक ना। अब आइए देखा जाए, जो घटादि हैं वो क्या है, रूपादि से युक्त होते हैं, तो वो घटादि जो रूपादि से युक्त होने के कारण क्या है, सावय है, अनित्य है। तो परमाणु को भी आप रूपादि से युक्त मान, परमाणु में क्या होगा, देखिए इसको कैसे फॉर्मुलेट किया गया, साव साव सावयवानाम द्रव्याणाम अवयव वसो विभज्यमानानाम यतः परो विभागो न संभवति ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवस् चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूत भौतिकस्य आरम्भका नित्याश्चेति यद् वैशेषिका गच्छन्ति स तेषां अभिगमो निरालम्बन एव यत्। यह जो वैशेषिक मानते हैं, ठीक ना, जो क्या रूपादिमान भूत भौतिक पदार्थ जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं, तो वह चार प्रकार के रूपादिमान परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। यह जो, और ये परमाणु क्या है, यह नित्य है, इस प्रकार जो उनकी मान्यता है, यह मान्यता क्या है, निरालंब है, निराधार ही है। यतो रूपादिमत्वात् परमाणु नाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यः प्रसज्येत, क्योंकि रूपादिमत होने से, रूपादिमान होने से परमाणुओं में, परमाणु नाम अणुत्व नित्यत्व विपर्यः प्रसज्येत। यतो रूपादिमत्वात् परमाणुना, परमाणुओं को रूपादिमत मानने से अणुत्व और नित्यत्व के विपरीत का प्रसंग होगा, वो क्या है, वह सूक्ष्म रह नहीं जाएंगे, वह नित्य नहीं रह जाएंगे, वह सॉरी वह निरवय रह ही नहीं जाएंगे, वो तो सावय हो जाएंगे। परम कारण अपेक्षया स्थूलत्वम अनित्यत्वम च तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत। परम कारण की अपेक्षा क्या है,
परम कारण की तथा स्थूलतम अनित्यतम च तेषाम अभिप्रेत विपरीतम आपद्येत। वह जो है क्या हो जाएगा, स्थूलत्व अनित्यत्व की प्राप्ति होगी। कुतः, क्यों, एवं लोके दृष्टत्वात्, ऐसा ही तो लोक में दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, बस थोड़ी सी बात कर रहे हैं, उसके बाद छोड़ दूसरे वाले से। क्या दिखाई पड़ता है, कुतः एवं लोके दृष्टत्वात्, ऐसा ही तो लोक में दिखाई पड़ता है। यदि लोके रूपादि मद वस्तु तत् स्व कारण अपेक्षया स्थूलम अनित्यम च दृष्टम, लोक में जो रूपादि से युक्त वस्तु होती है वह क्या होता है, अपनी कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होता है, ठीक ना। तद यथा पटस्तंतु अपेक्ष स्थूलो अनित्यश्च भवति, जो पट है वह तंतु की अपेक्षा क्या होता है, वह स्थूल और अनित्य होता है। तंतु तंतुवश्चन अपेक्ष स्थूला अनित्याश्च वंती, तंतु भी जो है अपने रेशे आदि अवयवों के से क्या होता है कि अपेक्षा स्थूल और अनित्य होता है। तथा चामि परमाणु, उसी प्रकार से परमाणु भी रूपादिमंतः, रूपादिमान होने के कारण, रूपादिमान होने के कारण परमाणु रूपादिमंतस तई अभिगम्यन्ते। वह इसलिए, यह जो आप परमाणुओं को रूपादि से युक्त मानते हैं, तस्मात, या वो मानते हैं, तस्मात ते अपि कारणवंत तद अपेक्षया स्थूला नित्याश्च प्राप्नुवन्ति, तो ये भी अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होंगे, ऐसा होगा ना। तो इस पे ये कह रहे हैं, जो आप जो यह आप जो तर्क दे रहे हैं ना, वो गलत तर्क दे रहे हैं, प्रतिपक्षी कर रहे हैं ना। तो क्यों, क्योंकि हमारे जो है सूत्रकार ने कई एक सूत्र बताए हैं, ठीक ना। तो आप जो परमाणुओं को मान रहे हैं, जो उसका भी कोई कारण होगा रूपादिमान से, ऐसा मानना नहीं चाहिए, ठीक ना। वो परम कारण है, क्यों परम कारण है, तो इसको कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। इसको दिखाने के लिए इसमें देखिए तीन सूत्रों को यह उन्होंने उल्लेख किया, जो है वैसे शिक सूत्र जो है चौथे अध्याय का है, सद कारणवत नित्य नित्यम यह दिखाया, फिर अनित्यम इति च विशेषता प्रतिषेधा भावा या विद्या च, इस प्रकार के सूत्रों को इन्होंने दिखा करके क्या किया, ये दिखाया। लेकिन सबका शंकराचार्य खंडन करते हैं। अब हम लोग जो है इस पर कम चर्चा करके अब सीधे जो है क्या 16वें सूत्र पे आ रहे हैं। तो वह था च दोषात्, उसी प्रसंग में आइए, उभय था च दोषात्, परमाणुओं में आप क्या मान रहे हैं, आप लोग बेटा आप जानते ही होंगे, जो भारतीय परमाणुवाद का या वैशेषिक परमाणुवाद का पश्चिमी परमाणुवाद से, डेमोक्रेटस आदि के परमाणुवाद से अंतर, जो यहाँ पे गुणों में भी भेद माना गया है, ठीक ना। तो उभयता च दोषात्, इस प्रसंग को जरा सा ध्यान में रखिएगा, फिर उभयता च दोषात्, परमाणु परमाणु में उपचित अपचित गुण है कि नहीं, अधिक गुण और कम गुण वाले परमाणु है कि नहीं। तो परमाणुओं में अधिक गुण और कम गुण माना गया, ठीक ना। वायु वाले वायु परमाणु में किस प्रकार का गुण है, केवल स्पर्श का गुण है, ठीक। अग्नि वाले में, हाँ, जल वाले में और पृथ्वी में, तो ये प्रश्न, ये मतलब ये उनका मत, तो अब इस पर ये पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उभयता च दोषा, आप परमाणुओं में न्यूनाधिक गुण मानते हैं कि नहीं मानते, उपचित अपचित गुण मानते हैं कि नहीं मानते।
प्रथम पक्ष अगर मानते हैं तो क्या होगा, 2-7 या 2 होगा, क्या 2 होगा, प्रथम अणुत्व क्या भंग होगा, ठीक ना, जो कैसे अणुत्व का भंग होगा। तो अगर मानेंगे जो उपचित गुणात्मक परमाणु में कम गुण अधिक गुण होता है, तो जिसमें जो है अधिक गुण होगा जाहिर है वो प्रथम गुण से, जिसमें कम गुण वाले से क्या होगा, हाँ वो स्थूल होगा, तो जाहिर है वो स्थूलत्व की प्राप्ति हो जाएगी, स्थूलत्व की प्राप्ति हो जाएगी तो परमाणु परमाणु में परमाणुत्व रहेगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये अगर मान लीजिए नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है परमाणु में जो है उपचित अपचित गुण नहीं, एक ही तरह के होते हैं, तो एक ही तरह के होते हैं तो क्या होगा, उसमें जो है उसमें क्या होगा, एक ही तरह के होने से या तो सभी परमाणु में चारों प्रकार के गुण होंगे, ठीक, या सभी परमाणु में एक प्रकार के गुण होंगे। अगर एक प्रकार के गुण होंगे तो उन परमाणु से जो चीजें बनेंगी तो क्या होगा, सब में एक ही गुण होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पार्थिव परमाणु जो पार्थिव वस्तुएं होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें वो देखा जाता है रूप रस गंध स्पर्श सब देखा जाता है, हैं? तो ये सब में जो है सब जो है देखा जाता है, ठीक। तो ये जो है दोष होगा, इसलिए जो है जैसा इनकी पंक्ति को देखें हम लोग शंकराचार्य कैसे कह रहे हैं, हो जाएगा बेटा आज खत्म कर देंगे इसको, उसके बाद फिर आप लोग जो है असाइनमेंट का भी आप लोगों को टास्क दे देंगे, आप असाइनमेंट तैयार कीजिएगा, कोशिश करेंगे दशहरा से पहले ही आप लोगों का क्लास सब खत्म हो जाए। हो ही गया है, ये जो है सातवीं प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्यास भाष पढ़ चुके हैं आप, उसके बाद जो है था तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या की गई, फिर उसको देखा, फिर जन्माद्य सेतः, फिर शास्त्री योनित्वाद, फिर तक तो ये 5 ऐसे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने सांख्य के खंडन पर विचार किया और वैशेषिक के खंडन पर विचार किया, आगे हम लोग जो है देखेंगे और सब चीजें। तो गंध रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, पृथ्वी जो है वह स्थूल है, उसमें क्या है, गंध है, रस है, रूप है और स्पर्श है। रूप और रस स्पर्श, रूप और रस और स्पर्श वाला जो रूप रस स्पर्श गुण वाला जो है वो क्या है, जल है, वो पृथ्वी के अपेक्षा सूक्ष्म है। रूप स्पर्श गुण वाला जो तेज है वह उनकी अपेक्षा क्या है, सूक्ष्मतर है, और सूक्ष्मतमो वायु, यह जो वायु है यह सूक्ष्मतम है, क्यों, क्योंकि उसमें केवल एक ही गुण है, क्या, स्पर्श। इति एवं एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्य उपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, इस प्रकार से लोक में इस प्रकार से 4 प्रकार के भूत दिखाई पड़ते हैं, महाभूत क्या है, जो क्रमशः स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम इस तारतम्य में होते हैं। तद्वद परमाणु अपि उपचित अपचित गुणा कल्प कल्प ये रन्वा, तद्वत परमाणु वा, तद्वत परमाणु वा अपि उपचित अपचित गुणा कल्प ये रन्वा, उसी प्रकार से क्या परमाणुओं की भी कल्पना की जाती है उपचित अपचित गुणों वाला, ठीक ना। आइए अगर कल्पेरम नवा, ठीक ना, तो अब कह रहे हैं उभयथा अपि च दोषानुसंगो अपरिहार्य स्यात्, दोनों प्रकार से दोष जो है अपरिहार्य होगा,
कल्प्यमाने तावद उपचित अपचित गुण पे उपचित गुणा नाम, अगर जो है इस प्रकार से हम माने जो परमाणुओं में भी उपचित अपचित गुण होता है, यानी कि न्यूनाधिक गुण वाले परमाणु होते हैं, अगर हम ऐसा स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, अधिक गुण उपचित गुणा नाम मूर्ति मूर्ति क्या है, उपचित गुणा नाम मृत्युपचयात, अगर अगर अधिक गुण वाले होंगे तो उसका जो आकार होगा क्या होगा, वह जो है उसकी जो मूर्ति होगी वो क्या होगी, वो स्थूल टाइप की होगी, यानी कि उसका जो आकार होगा वो स्थूल होगा, तो उससे क्या होगा, अपरमाणु पसंद अपरमाणुत्व पसंद अपरमाणु पसंद हो जाएगा, हो जाएगा ना, जब जो उसमें चार चार जो है गुण मानेंगे तो उसमें क्या है अपरमाणु तो हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा मूर्तमान होगा, ठीक। नौच अंतरेण अपि मूर्ति उपचय गुणोपचयो भवति इति उच्यते, यह कह रहे हैं जो गुण में जो उपचय से उसके आकार में बढ़ोतरी कटोतरी से कोई मतलब नहीं है, तो कार्य कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता, कार्य भूतेषु गुणोपचय मूर्ति उपचय दर्शनात्, क्योंकि कार्यों में जो है कार्येषु कार्य भूतेषु गुणोपचय का मूर्ति उपचय दर्शनात्, कार्यों में गुणोपचय से, ठीक ना, कार्य भूतों में गुणों के उपचय होने पर मूर्ति उपचय दर्शनात् मूर्ति का उपचय देखा जाता है। अकल्प्य माने तु उपचित अपचित गुण पे परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध है, यदि तावत, अब कह रहे हैं जो हम न माने, बताएगा ना दूसरा विकल्प, जो परमाणु में उपचित अपचित गुण नहीं, उपचित अपचित गुण वाले वो नहीं होते, ये कल्पना, तो तब क्या होगा, परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध है, यदि परमाणु जो है इस मामले में समान होते हैं तो क्या होगा, तावत सर्वम एक एकैक गुणायो कल्पे कल्पयेरम, तो तब क्या होगा, सभी एक गुणे वाले एक गुण वाले मान लिए जाए, ठीक। दो विकल्प यहां पर दिखाएंगे, एक तो ये जिनमें उपचित अपचित गुण नहीं होता है, सारे के सब समान है, सब एक गुण वाले, तो अगर एक गुण वाले तो क्या होगा, ततस् तेजसी स्पर्शयो उपलब्धि न स्यात्, तब तेज में स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी। अपस्वरूप स्पर्शयो, अप में रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, और पृथ्वी में रस रूप और स्पर्श की उपलब्धि नहीं होगी, कारण गुण पूर्वकत्वाद कार्य गुणा नाम, क्योंकि जैसा कारण गुण होगा वो वैसा ही कार्य गुण होता है, यह तो आप भी स्वीकार करते हैं, ठीक ना। तो अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्पेण माने, तब मानिए जो सब में जो है क्या है चारों गुण होते हैं, तो अपसु अपि गंधस्य उपलब्धि स्यात्, तब जल में भी क्या हो जाएगा गंध हो जाएगा, तेज में गंध और रस दोनों हो जाएगा, वायु में गंध रूप और रस सब हो जाएंगे, न च एवं दृश्यते, ऐसा तो देखा नहीं जाता है, तस्माद अनुपन्न परमाणु का अनुवाद, इसलिए आप जो परमाणुओं से जगत की सृष्टि की कल्पना कर रहे हैं वो सही नहीं है, यह क्या नितांत कल्पना है, यह आपका परमाणु का अनुवाद वह क्या है अनुपन्न है, बस जो है बस तुरंत तुरंत खत्म कर रहे बेटा, और अपरिग्रह अपरिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा, यह जो परमाणु कारणवाद है क्या है अपरिग्रह, इसका ग्रहण नहीं किया, किन्होंने नहीं ग्रहण किया, जो हमारे जो है अत्यंत सम्मानित है शिष्ट लोग, तो कौन शिष्ट सम्मान मनु आदि में इनका ग्रहण
नहीं किया है, अपरिग्रहात क्यों नहीं ग्रहण किया, तो आगे शंकराचार्य अपरिग्रहात चूंकि उन्होंने उनका ग्रहण नहीं किया है तो अत्यंतम अनपेक्षा, इसलिए जो श्रेयोगामी पुरुष के लिए श्रेयार्थी पुरुष को क्या करनी चाहिए, अनपेक्षा कार्या कर्तव्य, इनमें अनपेक्षा रखनी चाहिए, ठीक ना, ठीक ये कर रहे हैं। कहा देखिए शंकराचार्य जो है कर रहे हैं, बस तुरंत बेटा खत्म कर रहे हैं, प्रधान कारण वादो वेद विधि यद्यपि कई चिन्ह मनवादि भी सत्कार्य आदि अंशों को जीवना भी अंश उपजीवना भी प्रायण उपनिबद्ध अयम तु परमाणु कारणवादो न कैश्चित अपिशिष्ट अयम तु परमाणु कारणवाद, यह जो परम कारणवाद है न कैश्चित अपिशिष्ट, किसी भी सृष्टि के द्वारा केनचित अपि अंश किसी भी अंश में परिगृहित कब किसी भी ये अंश में परिगृहित नहीं हुआ, इति अत्यंतम एव अनादरणीय वेदवादी, यह इसलिए वेदवादियों के द्वारा यह अत्यंत अनादरणीय। सांख्य को तो स्वीकार भी किया मनु आदि ने कुछ अंश में, क्यों, क्योंकि वो सत्कार्यवाद को स्वीकार करते हैं, इसलिए तो वो कुछ अंश में स्वीकार भी है, लेकिन यह जो क्या कहते हैं परमाणु कारणवाद है, यह किसी ये वेदवादियों के लिए अत्यंत अनादरणीय है, क्यों, क्योंकि यह किसी भी रूप में शिष्ट मनवादी शिष्टों के द्वारा ग्रहित नहीं हुआ। पिचो वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान सट पदार्थान सॉरी अपिच वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान सट पदार्थान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आख्यान समवायाख्यान अत्यंत भिन्ना भिन्न अत्यंत भिन्ना अत्यंत आगे जो है ये वैशेषिक दर्शन में जो सद पदार्थ स्वीकार किया गया है उसका वो खंडन करते हैं। वैशेषिक दर्शन में बेटा आरंभ में क्या है, ये सद पदार्थ माने गए थे, कौशिकादित्य के सप्त पदार्थ के बाद जो है ये एकदम सप्त पदार्थ के सिद्धांत को स्वीकार किया जाने लगा, तो इस सप्त पदार्थवाद के सिद्धांत का इसमें खंडन किया गया है। आगे ये खंडन करते हैं बढ़ा, तो इस तरह में सूत्र की यही व्याख्या समझिए, जो अपरिग्रहाच मनुवादि शिष्टों के द्वारा किसी भी रूप में परमाणु कारणवाद का ग्रहण न होने से श्रेयोगामी आदमियों को इसमें क्या करनी चाहिए, अत्यंत अनपेक्षा, इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक ना। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने वैशेषिक दर्शन का 7 सूत्रों में तर्कपाद के 11वें से लेकर के 17वें सूत्र तक वैशेषिक दर्शन का खंडन किया गया, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, अब आगे हम लोग